नोटबंदी के फैसले के बाद जहां लोग नोटों के लिए तरस रहे हैं, एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ आए दिन देश के कई हिस्सों से रेड में करोड़ों की नई करेंसी बरामद हो रही है। चेन्नई में आयकर विभाग ने छापेमारी में नई करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की है। आयकर विभाग ने चेन्नई में कई जगह छापेमारी कर नई और पुरानी करेंसी में 170 करोड़ की नकदी, 130 किलोग्राम सोना जब्त किया है। आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक छापेमारी में 70 किलोग्राम सोना, चलन से बाहर हो चुके 96 करोड़ के पुराने नोट, 2000 रुपए के नए नोटों वाले 10 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। वही बरामद 170 किलोग्राम सोना एक एक किलो सोने की छड़ों के रूप में था। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में जब्त की गई रकम तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम बोर्ड के मेंबर शेखर रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी और प्रेम नाम के शख्स के ठिकानों से बरामद की गई है। ये तीनों व्यवसायी हैं और जांच में पाया गया है कि ये नोट एक्सचेंज रैकेट में शामिल थे। आपको बता दें कि पिछले दिनों आयकर विभाग ने बेंगलुरु में 5,70,00,000 रुपए के नए नोट बरामद किए थे। इसके बाद सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद बड़े पैमाने पर हवाला लेन देन और भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी थी। तो लगातार सामने आ रही ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती है कि देश में कितना काला धन छिपा है। साथ ही साथ अब ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि रेड से बरामद की गई ये नई करेंसी इन लोगों तक कैसे पहुंची। देखते हैं डीडीबी लाइव।